तो आज हम अभिषेक जी के साथ बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग के ऊपर। और वीवीए प्रोग्रामिंग में हम कोड कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो हमने वर्कबुक कोड को समझा, हमने शीट्स को समझा, अब हमारी बारी आती है रेंज की, कि हम रेंज को समझे। तो अभिषेक जी क्लास स्टार्ट करते हैं जस्ट फ्यू सेकेंड्स में। और यूट्यूब पे जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग आपको 2-4-5 मिनट में समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको पूरी वीडियो सिक्वेंसली चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जैसे अभिषेक जी मेरे साथ अभी ले रहे हैं। अगर इस तरह की क्लासेस चाहिए तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास फिल करके 2-4 क्लास हमारे साथ डेमो लें। इसकी पूरी डिटेल्स मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। तो अभिषेक जी चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर। तो अभिषेक जी, जैसे कि हमने आपके साथ बात की थी कि हमने तीन ऑब्जेक्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, राइट? जिसमें हमने वर्कबुक को कर लिया, शीट्स को कर लिया, अब हम बात करेंगे रेंज की। देखिए रेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी करते हैं वो रेंज पे ही करते हैं। आपको कॉपी करना है तो रेंज पे होगा, अगर आपको पेस्ट करना है तो रेंज पे होगा। अगर आपको कुछ भी एनीथिंग करना है तो रेंज पे ही होगा। तो रेंज को एक बार समझिए अच्छा से। तो रेंज को सबसे पहले हम कॉल कैसे करेंगे, राइट? तो यहां लिखते हैं रेंज a1.select। हमने क्या लिखा? हमने लिखा रेंज a1.select, राइट? उसी तरीके से यहां हम लिख सकते हैं सेल्स 1.select, कॉपी पेस्ट तो भी इसके आगे लिखना है। सो तो अब A1 क्या है? ये हमारा एक्सेल का एड्रेस है, एक्सेल के सेल एड्रेस है, जैसे C1, C6, C6 इस तरह से। ये होता है R1C1 की, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा तो column 3 और row 3, मैं यहाँ पे कर्सर रखा तो row 4 एंड column 3। ओके ठीक है। अब मान लीजिए मुझे अगर सिलेक्ट करना है, मेरे पास कई सारे शीट्स है, राइट? तो मुझे C3 पे जाके C3 की A1 पे कर्सर रखना, राइट? तो आपको यहां सबसे पहले तो आप यहां लिखिए रेंज C3.select या एक्टिवेट। तो C3 जो आपने लिखा सिर्फ वो क्या होगा, जो एक्टिव सीट, एक्टिव फाइल के एक्टिव सीट के C3 पे जाएगा, सेल 3 पे जाएगा, ठीक है? लेकिन मुझे तो चाहिए C3 के C3, चाहे A1 या A2 जो भी यहाँ पे पाथ हम लिखे हैं, राइट? राइट। तो इसके लिए आपको इस कोड से पहले लिखना पड़ेगा शीट्स, शीट्स में क्या देना पड़ेंगे, सीट 3। और यहाँ पे सीट 3 होगा क्या होगा और डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। ठीक है। क्लियर है जी सर। लेकिन अगर ये फाइल, चलो आपकी फाइल बुक वाई है, C1 है, अगर आपकी फाइल मान लीजिए फाइल और बुक 1 है, अगर आपको बुक 2 के C3 पे जाना है तो यहाँ आपको वर्क बुक्स और यहाँ पे क्या करना होगा, book2.xlsx.activate, ठीक है? तो ये प्रोसेस है। तो ये तीनों कोड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर फाइल के पर्टिकुलर सीट के पर्टिकुलर रेंज पे जाना है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप मान लीजिए सिर्फ रेंज A1 लिखते हैं तो करेंट एक्टिव सीट के एक्टिव फाइल के एक्टिव सीट के A1 पे चला जाएगा। अगर आप ये देखते हैं तो एक्टिव फाइल के सीट 3 के A1 पे चला जाएगा।
और आप ऊपर वाला कोड भी लिखते हैं, तीनों एक साथ लिखते हैं, तो आपकी बुक टू या जो भी बुक आपने लिखा है उसके उसके सीट, जो भी सीट आपने लिखा है उसके सीट के A1 पे जाएगा। ठीक है, जी सर। अब बात करते हैं कि एक एरिया सेलेक्ट करने का कोड क्या होता है। तो यहां पे हम लिखते हैं रेंज A1 से लेके H, मान लीजिए 70 डॉट सेलेक्ट। तो ये इसको हम लोग एक्सेल मेथड हम कहते हैं। VBA का भी एक मेथड है, तो VBA मेथड कहता है कि आप अलग अलग लिखो A1 कॉमा H17, ठीक है, डॉट सेलेक्ट। A17 हो गया, अब यहाँ पे H17 हो गया, ठीक है सर। सर तो दो कोड है आपका। अब इसमें आपको आपको एक चीज और भी है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। तो एक कंट्रोल ए का काम करता है। ओके अब सिलेक्शन पे आपको मैं अगली क्लास में सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अब एक सेल पे टाइप करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कोड रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने यहां पे कर दिया इसे, मान लीजिए हम लिखते हैं नेम। अब डॉट वैल्यू हमने लिखा तो हमें डॉट वैल्यू लिखना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट यहां पे इक्वल डॉट नेम भी कर सकते हैं, ठीक ओके। है। या फिर हम यहाँ पे डॉट फॉर्मूला इक्वल टू रोल नंबर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क कहाँ पड़ेगा, जब किसी से जैसे मान लीजिए D1 में 20 है, D1 की वैल्यू को A1 पे लाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज D1 डॉट वैल्यू। तो यहां आपका अगर मान लीजिए कि 10 + 20 हुआ तो क्या हुआ, सॉरी इक्वल 10 + 20 है, रिजल्ट क्या आ रहा है 30। यहां पे नॉर्मली 30 टाइप कर देगा, फॉर्मूला लेके नहीं आएगा सर। ओके लेकिन इसी में हम वैल्यू के जगह पे फॉर्मूला कर देते हैं तो क्या होगा, तब वो यहां पे लिक्वल आएगा, यहां पे लेके आएगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो यहां हमने यहां पे क्या करेगा, यहां पे कि 20 + 10 करके आपको यहाँ पे 30 दे देगा, फॉर्मूला ओके लेके आएगा। तो कहने का मतलब नहीं समझे कि आप जहाँ वैल्यू रिसीव कर रहे हैं वहाँ पे आप वैल्यू डाले, फॉर्मूला डाले या कुछ भी नहीं डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू जहाँ से आप रिसीव कर रहे हो वहाँ आपको फॉर्मूला वगैरह डालना जरूरी है, अगर नहीं डालते हैं तो फॉर्मूला, ओके। ठीक है। डाउट नहीं सर। तो इसका ध्यान आप रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि हमने A1 डॉट वैल्यू कर दिया तो एक करेंट सीट पे आया, मान लीजिए C21 के A1 पे वैल्यू डालना है हमें, तो इसके आगे हम शीट्स डॉट, शीट्स में यहाँ पे दे देते हैं शीट 1 डॉट, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बताया कि आपको सेलेक्ट करने के लिए इस 1 by 1 लिखना पड़ेगा, बट आपको कोई वैल्यू डालनी है, कोई फॉर्मूला डालनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ओके हाँ उसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर फाइल का है तो आप वो फाइल ओपन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर ओपन है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं इस तरह से कि फाइल के अंदर शीट के अंदर रेंज पे जाके नेम डाल दो, या डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
क्लियर है? सर एक बार ही मुझे 20+10 वाला वो अपने आप से कैसे आ गया, एक बार ही समझाएंगे। देखिए क्या है कि अगर आपने यहाँ यहाँ देखिए, हमने बोला कि A1 की वैल्यू इक्वल हो जाए D1 के फॉर्मूले से, तो ओके ओके इसने ओके क्या किया, इसका फॉर्मूला को यहाँ से उठाया, यहाँ से फॉर्मूला को उठाया, और उठाने के बाद ये गया और इस पर इसकी वैल्यू कर दिया। अब इक्वल लगा होने के कारण, क्योंकि उसने इक्वल को भी उठा लिया ना सर, हाँ फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला बार में दिख रहा है सारा करेक्टर उठाएगा। अब राइट इक्वल होने के कारण ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला में कन्वर्ट होके आपको रिजल्ट दे दिया, ओके 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 समझे? हाँ समझ गया समझ गया। यही पे अगर हम फॉर्मूला के जगह पे इसको वैल्यू कर देते तो जस्ट इसका वैल्यू 30 उठा के यहाँ रखता, ओके फॉर्मूला नहीं उठाता, मैं समझ फॉर्मूला गया नहीं उठाता, सिर्फ वैल्यू उठाता। समझ गया सर। समझ गया? कोई डाउट हाँ इसमें? सर नहीं सर, थैंक यू। क्लियर है ना सर? हाँ चलिए तो आप किसी सेल पे किसी सीट पे, यहाँ पे सीट का रेफरेंस आपको दिख गया सर। हाँ अब सर। यहाँ हमने बगल में क्या कर रखा है, वैल्यू कर रखा है ना, नेम कर रखा है। अब मान लीजिए मुझे किसी और फाइल का चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आप तो उसका उस पर्टिकुलर पाथ यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे नेम की जगह पे, ठीक है? जैसे मान लीजिए मुझे बुक वन का डेटा बुक टू के पे डालना है, तो यहाँ आप बुक टू पे डाल सकते, यहाँ बुक टू कर दीजिए, बुक वन डाल दीजिए, ठीक है? तो बुक टू पे बुक वन का डेटा आ जाएगा। अब लंबा लाइन हो गया ना सर, दिख रहा है सर? हाँ तो चाहते हैं कि दो लाइन में दिखे, पर प्रॉब्लम यह है कि वीवीए जो है लाइन बाय लाइन चलता है। अगर आपने इसको तोड़ के दो लाइन कर दिया तो दो कोड हो समझेगा, एक कोड नहीं समझेगा, फिर आपको एरर देगा वो। करेक्ट। तो अब चाहते हैं कि लाइन दो हो बट कोड एक ही माने, तो क्या करें आप, इसके स्पेस दे के अंडरस्कोर कर लीजिए, ठीक है, और इसको तोड़ दीजिए। ओके तो अंडरस्कोर आगे लगा है, इसका मतलब है कि ये पूरा एक ही लाइन है, इसको हमने तोड़ के दो लाइन बनाया है, समझ गया। समझ गए? क्लियर है? जी सर। कोई डाउट इसमें सर? नहीं सर। तो इसलिए इसको हमने तोड़ के यहां से बनाया हुआ है। तो किसी भी एक्सेल को सिलेक्ट करने के, सेल को सिलेक्ट करने का आपने यहां पे देख लिया, सेल सिलेक्ट करेंगे, जी सर। फिर आउट तो नहीं है ना। नहीं सर। अब कॉपी पेस्ट के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, या फिर उससे पहले जानिए, जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज और आता है, हमने यहाँ पे लिखा रेंज A1 से A10, राइट, A1 से A10। अब मुझे A1 से A10 पे 30 देना है, द डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने 30 कर दिया। देखिए ध्यान रखिएगा कि आप कई सारे सेल्स पे एक से एक वैल्यू डाल सकते हैं एक साथ पूरा पे, और क्या करेगा 30 इस तरह से डाल देगा, लेकिन मुझे 30 खुद से डालना है, D1 से उठाना है। तो यहां हम कर सकते हैं रेंज ए D1 D1 डॉट वैल्यू, राइट। अब मान लीजिए कि D1 भी है, D2 भी है, D3 भी है, तो आप चाहते हैं कि D1 से लेके D3 का वैल्यू A1 से लेके A10 पे डल जाए, तो ये गलत है ना सर? कैसे गलत है? D10 पे वो आ रहा है। देखिए D1 की वैल्यू, D1 से D3 की वैल्यू A1 से A10 पे नहीं डल सकती, क्योंकि यहाँ रिसीवर कितने हैं, 10 है, रिसीवर कितना है, वन 3 है। अगर एक गिवर है, जैसे ऊपर एक गिवर है आपका, तो वो सब में डाल देगा वैल्यू, क्योंकि पता है कि सबको एक ही वैल्यू देना, ठीक है? लेकिन जब आपके पास मल्टीपल रिसीवर और मल्टीपल आपके गिवर हो गया तो वहां दिक्कत होगा। फिर यहाँ A10 से A10 कर D10 कर सकते हैं, लेकिन A10 से D1 से D3 जो होगा एक गलत होगा, हम 10 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों बराबर है। हाँ सो वन टू मैनी, वन टू वन, वन टू मैनी, एंड मैनी टू मैनी नहीं हो सकता, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट होगा फिर, ठीक है? समझ समझ गया। जी सर समझ गया।
तो उसके समझे। इसमें क्या करेगा, पहले के तीन वैल्यू डाल देगा या बाकी को ओमिट कर देगा या बस एरर ये देख तीन देगा? डाल देगा, अच्छा सिर्फ तीन डाल देगा, ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो ये इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। ठीक है सर, पक्का। अब यहाँ भी कॉपी पेस्ट की बात कर रहे थे आप, तो कॉपी पेस्ट भी सेम होता है। जैसे मुझे A1 को कॉपी करके बाकी हुए पेस्ट करना है, राइट। तो हम यहाँ सबसे पहले रेंज A1 को कॉपी करेंगे, राइट। और पेस्ट कहाँ करना है, A2 से लेके A15। तो यहाँ लिखेंगे रेंज A2 से लेके A15। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम पेस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि जो पेस्ट है ये आपका पार्ट किसका है, सीट का है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन करेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, समझे। लेकिन इससे अच्छा है कि हम एक्टिव सी पेस्ट ना करके हम डायरेक्ट कर देते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे अगर पेस्ट ऑल सेलेक्ट कर लिया तो एक तरह से कॉपी पेस्ट ही होता है ना सर, क्या एक जी तरह से हाँ आपका कॉपी पेस्ट ही होगा ना। यहाँ भी आपको एक जो आपकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब कि कितने नंबर ऑफ कोर्स डालते हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस आपके नंबर ऑफ टाइम को इफेक्ट करता है कि आपका कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ही कोड में आपने लिख दिया तो एक कोड को रन करने में टाइम कम लगेगा, बट उसी में आपने उसी कोड को 10 लाइन में लिख दिया तो फिर 10 लाइन में ज़्यादा लगेगा। अब छोटे माइक्रो में आपको फॉल्ट पता नहीं चलेगा, बस जब बड़ा बड़ा माइक्रो जब लिखेंगे तो आपको टाइम कंप्लेक्सिटी का पता चलेगा, आपका सिस्टम उतना ज़्यादा हैंग होगा, ठीक जी है। सर। इसलिए जितना ज़रूरत हो लाइनिंग उसी हिसाब से लिखे, लाइन ज़्यादा ना लिखे, हाँ समझ गया। अब ठीक यहाँ है सर। पे मुझे कॉपी किसी और शीट में करना, पेस्ट और किसी और शीट में करना है, तो आपको क्या है कि आप A1 कॉपी कर लिया, अब उस शीट पे आपको जाना है कि शीट जैसे मान लीजिए 2 पे जाना है, 2.activate, देन आप करेंगे एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, ठीक है। लेकिन पेस्ट स्पेशल करने के लिए आपको डायरेक्ट यहां पे लिख दीजिए शीट 2, समझ गए। जी सर। तो ये आपको डायरेक्ट पेस्ट कर देगा और सीट को एक्टिवेट नहीं करेगा, डायरेक्ट पेस्ट कर देगा। बट आप अगर आप सीट के साथ जाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। बट पेस्ट स्पेशल जो है सिर्फ डेटा पेस्ट करने के लिए ही यूज किया जा सकता है। कोई पिक्चर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, इमेजेस हो गए, उसमें आपका पेस्ट स्पेशल काम नहीं करता है। तो वहां पे आपको एक्टिव सीट डॉट पेस्ट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ गए। तो देखिए रेंज जो है बहुत बड़ी टॉपिक है और इसको थोड़ा सा स्लोली सीखिए, क्योंकि रेंज पे जितना कमांड होगा आप वीवीए पे उतना ही ज्यादा कमांड कर पाएंगे, ठीक है सर। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे डायनेमिक सिलेक्शन के बारे में। ठीक है।